लो मेंटेनेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं क्रो है। कट कहते हैं क्रो, नहीं क्रियो है, क्रियो बज कट का मॉडिफाइड। क्रो कट कहते हैं, क्रो कट कौवे की तरह। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आई हूँ पासपोर्ट ऑफिस, आज मेरा अपॉइंटमेंट था यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में। तो अभी 3:15 से होगा और मैं पहुंच गई हूँ यहाँ 2:30। मैं पासपोर्ट ऑफिस आई हूँ नमन के साथ और हम दोनों का आज ही मिला हमारा अपॉइंटमेंट। इसमें और ये मेरा बैग है, तुम्हारा ही है। अच्छा बैग है, मतलब प्रोफेशनल वाला लुक लग रहा है ना, इससे कि हम ऑफिस वाले होंगे। अच्छा, पर है नहीं ना भाई, तो हो जाएंगे। और हमारी टाइमिंग 3:15 की है, तो पहले ही पहुँच गए हम तो यहाँ 2:30 अभी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर जाओ, बाद में आना 3:15। अभी टाइम देते हैं, बोल दिया था मैंने 3:15 जाएंगे। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे गाइज, और अब बाहर खड़े हैं, पता नहीं क्या करना है ऐसे टाइम पास। पहले तब तक घूमते हैं यहाँ, भटक रहे रोडों पे, ये दिखाते हैं कि ये पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है। तो पासपोर्ट ऑफिस की लोकेशन है दिलाराम चौक से अंदर आना है, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड पे, हाथी बड़कला वाली रोड पे आना है। और वो ये रहा पासपोर्ट ऑफिस, इसके सामने जस्ट ICICI बैंक है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में है हमारा पासपोर्ट ऑफिस ये। टाइम हो रहा है 4:45 और 3:15 से लेकर 4:45 तक मेरा काम हुआ। और ये रही मेरी फाइल, मैं हो गया वैसे कंप्लीट पूरा, जो भी अपॉइंटमेंट था, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब जाती हूँ आगे, नमन का पहले हो गया था तो वो बाहर आ गया था, तो थोड़ा पहले ही हुआ उसका। तो कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस थी, ये सब बताऊंगी मैं आज अपने इस व्लॉग में। तो फिर पहले तो भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। नमन मेरे लिए बिस्किट लेके आए हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी मुझे। इट्स कॉल्ड चीर पार्क। आगे आते रहो, आते रहो, आते रहो, वहाँ पे आए और देखते हैं यहाँ का कैसा होगा। और आज जो हुआ था पासपोर्ट ऑफिस में, तो हमें सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, एक तो 10th का सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तो बस यही 3 लेके जाने, और कुछ भी लेके जाना। मैं तो इतनी बड़ी फाइल लेके गई थी, ये किसी काम की नहीं आई, ऊपर से बोझ ही बन गई है मेरे ऊपर। तो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स, बस वही लेके जाना है। और जाना है वहाँ अंदर, टाइम तुम्हारा अपॉइंटमेंट का टाइम होगा, बस उसी टाइम जाना है, पहले मत जाना नहीं तो बोर हो जाओगे तुम लोग मेरी तरह। मैं तो उतना बोर नहीं हुई जितना नमन हो गया था। नमन का पहले हो गया था, फिर वो जल्दी आ गया था। बाहर बैठे बैठे पूरा वेट हो गया, करूँ तो करूँ क्या, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस ऐसे ही। और भूख भी बहुत लगी, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो आज अल्लाह की तरफ से पार्टी है बहुत बड़ी, आप सब लोग इन्वाइटेड होकर आना चाहते हो तो हाँ आ जाओ सारे के सारे, जिसको पार्टी करनी। तो आज हमने कोई नई जगह देखी है, पैन फूड, मतलब मैंने देखी है, मैंने बोला कि आगे चलते रहते हैं, कोई ना कोई अच्छी जगह मिल जाएगी हमें। तो फिर यहाँ का टेस्ट करके देखेंगे कैसा होता है। हमने मंगाया मोमोज और इंडियन बर्गर। तो मुझे एक चीज़ और नज़र आई है, मतलब नमन के बाल, बताना कैसे लग रहे हैं उसके बाल, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। और नमन को कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं अपने बाल,
वैसे एकदम आजकल चल रहा है क्रू कट कहते हैं, आप लोग भी ट्राई करना। कौन सा कट? क्रू कट। क्रू कट CREW, लो मेंटेनेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रो कट कहते हैं, क्रो नहीं क्रू है, क्रू बज कट का मॉडिफाइड। क्रो कट कहते हैं सिर्फ, क्रो कट कौवे की तरह। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. और अब खाते हैं ये इंडियन बर्गर जो इसका नाम है। काफ़ी अच्छे हो रहे थे मोमोज, चटनी भी बहुत अच्छी थी और फ्रेश फ्रेश से लग रहे थे मोमोज, है ना, जो कि है ही। जो कि है, हाँ। तो ये खा के बताते हैं कैसा होता है। बर्गर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा टेस्टी था। और अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ और खा लें। तो क्या खाना है अभी? चाउमीन ट्राई करते हैं। तो अब चाउमीन ट्राई करते हैं यहाँ के कैसे होंगे, पर अच्छा है वैसे, टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक है और प्राइस भी ठीक है। बहुत जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत हाई होगा या कुछ कुछ ज़्यादा ही, पर अच्छा है, मतलब आ सकते हैं। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me don't get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause your voice can make it right. We're just doing what we're feeling right now. So shadow. चाउमीन अच्छी थी, मतलब टेस्ट वगैरह सब ठीक था। और यहाँ की एक ख़ास बात ये लगी, फ्रेश थी काफ़ी। और वैसे चाउमीन वगैरह तो मुझे चिलीज़ की बहुत अच्छी लगती है, वहाँ के हक्का नूडल्स बहुत टेस्टी होते हैं मतलब। और मोमोज, वैसे मोमोज मिलन की ज़्यादा अच्छी होता है ना, हाँ। तो यहाँ भी अच्छे थे, यहाँ फ्रेश मोमोज थे,
मतलब फ्रेश वाली फीलिंग आ रही थी उन्हें देख के, अंदर इसकी फीलिंग जो थी वो पूरी फ्रेश थी, मतलब जैसे पका के रखते हैं ना वो अंदर का मसाला, तो इन्होंने पकाया हुआ नहीं था, बिल्कुल वैसे ही था, थोड़ा सा तेल में वो किया होगा तो अच्छा था, पर काफ़ी अच्छा लगा। इसको हम रेट करेंगे आउट ऑफ 10, मैं दूंगा इसको रेटिंग अराउंड 7.5, काफ़ी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा है। और तुम? हाँ, मैं भी इसे दूंगी 7। तो गाइस हमारी तरफ से थम्स अप है, आप जरूर आइए अगर आप साइड आते हो तो, पैन फूड्स करके, पैन फूड ये आपका राइट हैंड साइड में, अगर आप नीचे से गुच्छू पनीर रोड से आओगे राइट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको, और काफ़ी अच्छा है, बैठने के लिए भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, लाइटिंग भी काफ़ी कर रखी है। टाइम 7 बज रही है और हम लाइब्रेरी पहुंच गए थे टाइम से, और अब जा रहे हैं घर के लिए, घर के लिए मतलब 7:30 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो चलते हैं हम घर। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने तो कैप भी पहन ली है और ग्लव्स भी रखे हुए हैं मेरे अपने साथ में, ये रहे, और लाइट कुछ ज़्यादा ही चमक रही है मेरे मुंह पे। सो गाइस अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और डिनर भी हो गया हमारा, और आज जो मेरा पासपोर्ट वाला काम था वो भी हो गया है, अब होगी पुलिस वेरिफिकेशन, तो अब भी हम खाएंगे ये चॉकलेट, तुझे पसंद है? कर क्या रहा है तू, पता नहीं कौन सा जादू दिखा रहा है, पहले भी इसने एक जादू दिखाया था, वो जादू फेल हो गया था इसका, पता कौन सा जादू है? तो हम तो खाते हैं ये वाली चॉकलेट, एक दिन में मेरी बात है, दे दे यार थोड़ा सा, माय गॉड, बहुत ही घटिया इंसान है, इसने धोखा दिया मुझे, कौन चॉकलेट खा ली और फिर हंस रहा है अब। अब भाग भी रहा है ऊपर से। तो आज काफ़ी मज़ा आया, और अब एडिटिंग वगैरह करती हूँ, मुझे तो नींद भी काफ़ी आ रही है, तो फिर आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज के व्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।